सुपरवाइजर ने तारीफ की, तब कड़ी सिक्योरिटी में अपने ओहदे का हलफ उठाया। उनके साथ ही अमेरिका की पहली नायब सदर कैमला हैरिस ने भी अपने ओहदे का हलफ उठाया। जो बाइडेन अपनी अहलिया और बच्चों के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां उनका पुरवकार इस्तकबाल किया गया। नायब सदर कमेला हैरिस भी इस मौके पर मौजूद थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर एंड डॉक्टर जिल बाइडेन। बाइडेन ने बहैसियत सदर पहला खिताब किया। उनका कहना था कि मैंने कौम से आईन और जमहूरियत की हिफाजत का वादा किया है। This is a great nation. We're good people. We can do great things, important things. We can right wrongs. I will be a president for all Americans. All Americans. उनका कहना था कि हम एक बार फिर अमेरिका को दुनिया में अच्छाई की सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आज शख्सियत की नहीं, जमहूरियत और जमहूरी अमल की फतह है। This is democracy's day, the day of history and hope. We've learned again that democracy is precious, democracy is fragile. At this hour, my friends, democracy has prevailed. Joe Biden ki taqreeb e khabardari mein swagdosh sadr Trump ne shirkat nahi ki. Sabiq naib sadr Mike Pence is mauke par maujood the. अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पहले रोज 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी करके ट्रंप की पॉलिसियों का खात्मा कर दिया। सदर बाइडेन मुसलमान मुल्कों पर पाबंदी खत्म कर दी। सदर ट्रंप ने मुसलमान मालिक के शहरों पर आए अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आई की थी। मैक्सिको से मुतसिल सरहद पर दीवार का तमीराती काम मुअत्तल कर दिया गया। अमेरिका में वफाकी इमलाक पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया। अमेरिका माहौलियाती तहफ्फुज़ से मुतालिक पेरिस माहदे में दोबारा शामिल हो गया। अकवामे मुत्तहिदा ने अमेरिका के पेरिस माहदे में दोबारा शमूलियत का ऐलान किया। As we indicated earlier, we're going to be signing a number of executive orders over the next several days of the week. And I'm going to start today. These are just executive actions. They are important, but we're going to need legislation for a lot of the things we're going to do. And the first order I'm going to be signing here is relates to COVID. And it's requiring, as I said all along, where I have authority, mandating a mask being worn, social distancing be kept on federal property and interstate commerce, etc. This is the first one signed. व्हाइट हाउस के नए तर्जुमान जेन साकी ने कहा है कि सदर जो बाइडेन ईरान के साथ जौहरी माहदे पर सफारतकारी पर यकीन रखते हैं और इत्तेहादी ममालिक के साथ ताल्लुकात की असर नौबहाली उनकी अव्वलीन तरजीह है। Biden sent an immigration bill to Congress. The U.S. Citizenship Act modernizes our immigration system. It provides hardworking people who've enriched our communities and lived here for decades an opportunity to earn citizenship. He rejoined the Paris Climate Agreement, putting the United States back in a position to exercise global leadership in advancing the objectives of the ambitious agreement. To combat the deadly virus, the president launched his 100-day masking challenge, asking Americans to do their part and mask up for 100 days. अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते 73 अफराध को सदारती मुआफी दे दी। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया कि साबिक सदर ट्रंप ने 70 दीगर अफराध की सजाओं में कमी का सदारती फरमान भी जारी किया। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप ने जिन अफराध को सदारती मुआफी दी है उनमें साबिक कैंपेन मैनेजर और सीनियर मुशीर स्टीव शामिल हैं। इसी तरह सदर ट्रंप ने अपने इंतखाबी मुहिम के लिए चंदा देने वाले एक नुमाया डोनर एलिएट ब्राइडी को भी सदारती मुआफी दी, जिन्हें गुज़श्ता बरस अदालत ने फॉरेन लॉबिंग कानून के खिलाफ वर्जी का मुतअल्लिक करार दिया था। अमेरिकी सदर ने रियासत मिशिगन के शहर डेट्रॉइट के साबिक मेयर की सजा में कमी कर दी। सदर अपने बहुत से इत्तेहादियों और हामियों को पहले ही सदारती मुआफी दे चुके हैं। इनमें सदर की इंतखाबी मुहिम के साबिक मैनेजर पॉल मुशीर रॉजर, कौमी सलामती मिशन माइकल फिलन और सदर ट्रंप के एसएमटी चार्ल्स किशनर भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की नए अमरीकी सदर जो बाइडेन को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि नव मुंतखब अमरीकी सदर के साथ मिलकर काम करने का मंतज़िर हूँ। हम पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के ख्वाहां हैं।
साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली सरदारी की सदारती मनसब संभालने पर जो बाइडन को मुबारकबाद। आसिफ सरदारी ने कहा जो बाइडन का नस्ल इम्तियाज के खिलाफ भी अन्य काबिल तहसीन है। उम्मीद है बाइडन शिद्दत पसंदों को इस्लाम से जोड़ने वालों की हौसला शिकनी करेंगे। यकीन है जो बाइडन के ख्याल में पाक अमेरिका ताल्लुक मजबूत होंगे। उम्मीद है सदर जो बाइडन इंतजामिया दुनिया में अमन के लिए काम करके उम्मीद है जो बाइडन मकबूजा कश्मीर की आवाम की आजादी के लिए किरदार अदा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से चले गए। बजरिया हेलीकॉप्टर व्हाइट हाउस से उड़ान भरने के बाद साबिक अमरीकी सदर एंड्रयूज एयरफोर्स बेस पहुंचे, जहां उन्हें तोहफों की सलामी दी गई। अलविदाई खिताब में साबिक अमरीकी सदर का कहना था, अमरीका जैसे अजीम मुल्क की सदारत मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है। उम्मीद है ये अलविदा तभी नहीं होगा, हम फिर मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस छोड़ दिया। बाइडन की हलफरदारी तकरीब में शिरकत के बजाय डोनाल्ड ट्रंप बजरिया हेलीकॉप्टर एंड्रयूज एयरफोर्स बेस पहुंचे, जहां उन्हें तोपों की सलामी भी दी गई। ट्रंप ने एंड्रयूज बेस पर अपने हामियों से अलविदाई खिताब में कहा, अमेरिका जैसे अजीम मुल्क की सदारत करना बहुत बड़ा एहसास है। We rebuilt the United States military. We also got tax cuts, the largest tax cut and reform in the history of our country by far. We just got 75 million votes, and that's a record in the history of sitting president. I will always fight for you. ट्रंप का कहना था, बहरान के बावजूद कोरोना वैक्सीन बहुत कम अरसे में लाने में कामयाब हुए। Pay our respects and our love to the incredible people and families who suffered so gravely from the China virus. It's a horrible thing that was put onto the world. फ्लोरिडा रवानगी से कबल डोनाल्ड ट्रंप और अहलिया मेलानिया ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा, बड़े अरसे बाद ऐसा देखा गया। और बात करेंगे पाकिस्तान में कोरोना सूरत हाल।